अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताब तिब, बाबु मन खरज मिन अर्दिन ला तुलायिमुहु। बाब, जो निकल जाए ऐसी जमीन से जो उसको मुआफिक न हो। यानी किसी इलाके में इंसान जाके रहा बसा, फिर वहां की आबो हवा उसको मुआफिक न आई, या वैसे उसका दिल वहां ना लगा और वो वहां से निकल गया, तो क्या इसमें कोई हरज है? और खास तौर पर अगर मौसम मुआफिक न आए तो जगह की तब्दीली क्या जायज है? हदसना अब्दुल आला इब्न हम्माद, हदसना यजीद इब्न जुरै, हदसना सईद, हदसना कतादतु अन्ना अनस इब्न मालिक हदसहुम। कतादा कहते हैं कि अनस बिन मालिक ने उनसे हदीस बयान की, अन्ना नासन और रिजालन के कुछ लोग या कुछ मर्द, मिन उकलिन व उरैनता, उकल और उरैना कबीले से, कदीमो अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, व तकल्लमू बिल इस्लाम, और उन्होंने इस्लाम का इजहार किया, इस्लाम के साथ बात की, यानी अपने इस्लाम लाने का जिक्र किया। वकालू या नबी अल्लाह, और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इन्ना कुन्ना अहला ज़र्अन, ज़ाद के साथ है ये, जा नहीं है, ठीक है, बेशक हम मवेशियों वाले थे, यानी दर कहते हैं थन को, यानी दूध मवेशी वाले, यानी हम जानवर पालने वाले लोग थे। वलम नकुन अहल रीफिन, और हम खेती बाड़ी करने वाले लोग नहीं थे, यानी ज़राअत पेशा नहीं थे, हम मवेशी जानवर पालते थे। वस्तौखमुल मदीनता, तो उन्हें मदीना की आबो हवा रास न आई। फअमर लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ौदिन व बिराइन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हुक्म दिया कि उन्हें कुछ ऊंट दिए जाएं, व बिराइन, और एक चरवाहा भी साथ दिया जाए, राई कहते हैं चरवाहे को। व अमरहुम अन यखरुजू फीही, और आपने उनको हुक्म दिया कि वो उसमें यानी जंगल में चले जाएं। फयशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, और वो इन ऊंटों का दूध और पेशाब पिए। ऊंट का जो पेशाब होता है वो भी एक दवा होती है। फंतलकू, तो वो सब चले गए, ऊंट भी, चरवाहा भी, और वो लोग जो दो कबीलों से आए थे वो भी साथ चल दिए। फन तलकू, तो वो चलते चले गए, हत्ता कानू नाहियतल हर्रती, यहाँ तक के जब वो हर्रा के किनारे पहुंचे। हर्रा एक इलाके का नाम है, पथरीली जगह। कफरू बाद इस्लामिहिम, तो उन्होंने कुफर इख्तियार कर लिया अपने इस्लाम लाने के बाद, यानी मुर्तद हो गए। वक़तलू राई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को भी कत्ल कर डाला। वस्ताकुद्दौदा, और ऊंट भगा कर ले गए, ऊंटों को हाँक ले गए। इस्ताकु साका से है, साका का मतलब सायक, सयाक, ड्राइवर को कहते हैं। फबलगन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। फबअस तलबा फी आसारिहिम, तो आपने उनके पीछे किसी ढूंढने वाले को भेजा, तलब करने वाले को। व अमर बिहिम, और उनके बारे में हुक्म दिया। फसमरू आयुनहुम, तो उन्होंने उनकी आंखों में सलाइयां फेरी। व कतऊ अयदीहिम, और उनके हाथ कता किए, काट दिए। व तुरिकू फी नाहियतिल हर्रती, और वो उस हर्रा के किनारे फेंक दिए गए। हत्ता मातू अला हालिहिम, यहाँ तक के वो उसी हाल में मर गए। तो यहाँ पर इमाम बुखारी जो हदीस लाए हैं वो इस माने में लाए हैं कि ये लोग जो बाहर से कहीं से आए थे और जानवर पालने वाले लोग थे, इन्होंने आकर ये कहा कि मदीना की आबो हवा हमें रास नहीं आती, तो हमें कहीं बाहर जाना है, यानी हमारे को और इंतजाम किया जाए। तो आपने मदीना से बाहर खुली फिजा में इनके लिए रहने का इंतजाम किया और खाने पीने का भी। तो इससे ये पता चलता है कि जिस जगह की आबो हवा इंसान को मुआफिक न आए वहां से किसी दूसरे इलाके में चले जाना जायज है। मसलन कुछ लोग इनर सिटीज में रहना उनको बहुत मुश्किल लगता है, कंजस्टेड एरियाज में रहना, तो वो सबर्ब्स में चले जाते हैं या वाइस वर्सा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी जो सामने आई वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर एहसान किया लेकिन ये मुर्तद हो गए और जराइम पेशा हो गए, तो उन्होंने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उनको ये सजा दी गई। इस सजा का जिक्र कुरान पाक में भी आता है कि जो लोग इस तरह की बगावत करें फिर उनके दायां हाथ और बायां पांव वगैरह काट दिए जाएं। बहरहाल इसमें जो बुनियादी मजमून है वो तो ये, लेकिन मजीद जो लोगों को परेशानी होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे, तो आपने इतनी सख्त सजा क्यों दी? ये इबरत के लिए थी, इबरत के लिए थी कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत की जुर्रत न करे। अगर इनको छोड़ दिया जाता तो रोज इस किस्म के केसेस पेश आते। इब्न हजर जो बुखारी के शारे हैं वो लिखते हैं कि इमाम बुखारी का मकसद यहाँ ये है कि अगर ताउन वगैरह की वजह से आबो हवा नामुवाफिक हो जाए तो राह फरार इख्तियार करते हुए किसी दूसरी जगह जाना दुरुस्त नहीं, जैसा कि अगले बाब में आएगा। हाँ, आम हालात में या छोटी मोटी बीमारियों में जो वबाई ना हो उनमें इंसान अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह जाए तो वो उसके लिए सेहत के असबाब में से एक सबब बन जाता है। बाज लोगों को एक खास जगह का पानी मयसर नहीं आता, वो वहां पर रहें या जाएं तो बीमार पड़ जाते हैं। बाज लोगों को किसी खास इलाके की गर्मी या सर्दी मुआफिक नहीं आती। जो लोग ठंडे इलाकों में रहने वाले होते हैं उनके लिए गर्म इलाकों में रहना मुश्किल हो जाता है, जो गर्म इलाकों के रहने वाले होते हैं उनके लिए सख्त सर्दी के इलाकों में रहना दूभर हो जाता है, उनकी सेहत को तकलीफ पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। तो यानी उस जगह को छोड़ने में हरज नहीं है।